संपदा होने के बाद दो चीजें जीवन में याद रखना चाहिए, धर्म की उन्नति हो और मेरा कल्याण हो। याद रखिए, यही धन नरक ले जाता है और यही धन स्वर्ग ले जाता है। विपत्तियां ईश्वर से मिला देती हैं गरीब को, कितना भी बड़ा भिखारी हो, और अगर उस विपत्ति में वो भगवान का भजन करने लग जाए तो निश्चित उसका कल्याण होने वाला है। पिछले कर्मों की वजह से यहां भिखारी बना, लेकिन यहां से सीख लिया है तो अब कल्याण निश्चित है। राधे राधे बोलना पड़ेगा। कौन कौन मेरी बात से अग्री है? पक्का नीचे करो हाथ। किस किस को लगता है कि हमको डुबा के मार देना चाहिए? अभी आपने कहा एग्री है, कहा कि नहीं हम एग्री हैं। तो एग्री अगर हो तो किस किस को लगता है किस मानव जीवन को पाकर हम ये बात पे सही नहीं जा रहे जो अभी आपने कहा, जिससे हम एग्री हैं, हमको डुबा के मार देना चाहिए? कौन कौन है इस बात को मानने वाला? चलो आज आप ये समझो कि आपको हमने खुद ने आपके गले में पत्थर बांध कर आपको हमने डुबा दिया। ये आप सोच लो, आज अभी इसी वक्त सोचो, हमने आपको डुबा दिया इस गहरे संसार के सागर में, और तुरंत ठाकुर ने कृपा की है, आपको दूसरा जन्म दे दिया। अब आज से आपका दूसरा जन्म है, अभी से आज के बाद वो कर्म मत करना जिसकी वजह से आपने कहा कि हमें डुबा के मार देना चाहिए। आज अभी उनका परित्याग कर दीजिए। मेरी व्यासपीठ आपको आश्वासन दिलाती है, तेरा बचा हुआ समय अगर अच्छा बीत गया जो मैं कह रहा हूं, निश्चित तेरा कल्याण हो जाएगा, बचे हुए जीवन में कल्याण हो जाएगा। ये व्यासपीठ किसी की शत्रु नहीं होती है। ये व्यासपीठ अगर शत्रु है तो तुम्हारे और मेरे बुरे कर्मों की। कल्याण हो यही सिखाती है व्यासपीठ, और ये हम सबकी जिम्मेदारी है। राधे राधे बोलना पड़ेगा।